जी, अब हम आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में, तो उससे क्या होता है, सोयल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है इन फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की वजह से। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम में जो है वो केमिकल न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़्यादा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है रिलीज़ होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैस जो है उसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अमोनिया जो है वो क्या कर रही है, वो भी साथ ही इमिट हो रही है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, और ये जो एक्स्ट्रा अमोनिया रिलीज हो रही है ये सॉइल एसिडिटी को इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा जो है पेस्ट प्रॉब्लम सामने आ रहा है अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। पेस्ट प्रॉब्लम क्या है, रिप्रोडक्शन रेट जो है उनका डबल होता जा रहा है। अगर हम ये तो थी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो है इस्तेमाल यूज़ जो है वो भी बढ़ाते जाएं तो वो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सामने लेके आ रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है कि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीचिंग प्रोसेस करते हैं। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है सोलबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो ऊपर वो क्रस्ट में पाए जाते हैं यानी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो वाटर के साथ बह जाते हैं और वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं, जिससे जो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो क्या होती है, स्लो होना शुरू हो जाती है या वो प्रॉपर ग्रोथ ही शो नहीं करते हैं। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन होती है हमेशा कि जब भी फार्मर ये काम कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर जो है वो ऐड कर रहे होते हैं सॉइल में, तो उनको रिक्वायरमेंट जो होती है अकॉर्डिंग टू क्रॉप वो कैलकुलेटेड फॉर्म में बताई जानी चाहिए या वो उनको कैलकुलेटेड फॉर्म में पता होना चाहिए कि कितने जो है वो सॉइल में कितने क्रॉप्स में कितना फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करने हैं अमाउंट के हिसाब से, और एप्लीकेशन जो है वो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमेशा रिकमेंडेशन के बाद जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए।